गलत आदमी को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? गलत आदमी को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? सुरेश राठौर मुर्दाबाद, 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 सुरेश राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत आदमी को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? गलत आदमी को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, ममता बहन जिंदाबाद, ममता बहन जिंदाबाद, सुरेश राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हाँ मुर्दाबाद, चाहा सुरेश राठौर मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, ममता बहन जिंदाबाद। साफ दिखाई दे रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, जनता को दिखाई दे रहा है कि ये लोग अपराधियों को आगे बढ़ावा देते हैं। ये बिल्कुल नहीं मानते कि वो जो अपराध किया है उसको पीछे किया जाए या उसको कोई सजा दी जाए। ये लोग बराबर उसका सहयोग करते हैं और बढ़ावा देते हैं कि शाबाश उनकी। इसका मतलब ये है कि पीठ थपथपाते हैं कि अपराध करते जाओ। ये सुरेश राठौर वाला क्या मामला चल रहा है? आपके विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी हैं, वो फिर दोबारा प्रत्याशी हैं भाजपा के। भाई जी, ये सबसे पहले तो मैं नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने ये बात रखी अभी। एक्चुअली भाजपा का जो है ये इस तरह का माहौल है कि जो अपराधी होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसा कि सुरेश राठौर जी अपराधी हैं और उनके खिलाफ़ FIR दर्ज भी हो चुकी है और वो महिला का शोषण के, जैसा कि पता ही है सभी को, शोषण किया है उन्होंने, तो भाजपा फिर भी बढ़ावा देती है। भाजपा को ऐसा नहीं लगता कि जो अपराधी हैं उनको हम पीछे करें, कोई अच्छे आदमी को आगे लाए, लेकिन भाजपा बराबर गलत आदमियों को, अपराधियों को आगे बढ़ावा देने का काम करती है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जहाँ भी देखो अपराधी बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा उनको बढ़ावा देती है, और क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है उसके बावजूद भी फिर भी ऐसे आदमियों को आगे लाती है भाजपा, तो ये भाजपा का कहीं ना कहीं बहुत गलत डिसीजन है। पीड़िता बार बार अपने बयान बदल रही है, क्या लग रहा है आपको, दबाव में है पीड़िता? बिल्कुल लगता है कि दबाव के कारण वो बार बार FIR दर्ज करवाने के बावजूद भी वो मतलब खड़ी हुई, उसके बावजूद वो बदल देती है बयान, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव है। पीड़िता को अब तक सुरक्षा नहीं दी गई है पुलिस द्वारा, क्या लग रहा है आपको, मांग करेंगे आप सुरक्षा की? अब देखो ये तो अब क्या है उनका डिसीजन, क्योंकि वो भी भाजपा की कार्यकर्ता थी, उसके बावजूद उनका शोषण हुआ है, और ये क्या मांग करेंगी, क्या वो तो वही बताएगी इसके बारे में।